हमने ट्रिक 002 में देखा था कि अगर अपने पास में दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है और अगर वो नंबर में अपने पास में डेसिमल नहीं है तो हम उसको कैसा सॉल्व करेंगे। लेकिन आज हम देखेंगे कि अगर अपने पास में दो नंबर है और वो दो नंबर में अपने पास में डेसिमल है तो हम उनको कैसा सॉल्व करेंगे। तो हम इसका प्रोसीजर देख लेंगे। अपने पास में इसका प्रोसीजर सेम रहेगा जैसा हमने ट्रिक 002 को सॉल्व किया था, जो जिसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो हम ये प्रोसीजर को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो अपने पास में पहली एग्जाम्पल है 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 3.2। तो अपने पास में जो भी नंबर है तो हम ये नंबर में समझेंगे ये डेसिमल नहीं है और अपन सेम वही प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे जो अपने प्रीवियस ट्रिक को सॉल्व किया था। तो हम क्या करेंगे, पहली स्टेप क्या दी अपने पास में, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है अपने पास में, 4 होता है। तो हम 4 को यहां पे लिख लेंगे। अब अपने पास में सेकंड स्टेप थी कि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे नंबर का, तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो हमने दो नंबरों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है अपने पास में, 10, और अपने पास में 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है, 6। ये दो नंबर के हम एडिशन कर लेंगे तो अपने पास में नंबर आ जाएगा 16। अपने पास में नंबर आ जाएगा जब इन दो नंबरों के एडिशन करेंगे तो। हम अब अपने पास में दो डिजिट है यहां पर, तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट लिखेंगे, 6 को लिखेंगे, 1 अपने पास में रिमेन कर रहेगा। अब हम देखेंगे थर्ड स्टेप को, और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है अपने पास में, 15, और 15 अपने पास में 1 रिमेन का बाकी था, तो 15 प्लस 1 कितना होता है अपने पास में, 16। तो हम 16 को लिख लेंगे यहां पर। तो अपने पास में पूरा आंसर क्या आ गया कि 1664, ये अपने पास में टोटल आंसर है। अब हम डेसिमल के लिए क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि दोनों नंबरों में डेसिमल कहां पे है। तो अपने पास में 5.2 में डेसिमल यहां पे है, अपने पास में 3.4 में डेसिमल यहां पे है, दो नंबरों में डेसिमल है अपने पास में। तो हम देखेंगे कि डेसिमल के राइट हैंड साइड में नंबर कितने हैं। तो अपने पास में 5.2 में 1 नंबर है अपने पास में 5.2 में, अब अपने पास में 3.2 है, तो हम देखेंगे कि 3.2 में डेसिमल के राइट हैंड साइड में नंबर कितने हैं। तो अपने पास में वहां पे भी 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1 कितना होता है अपने पास में, 2। तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी अपने पास में आंसर आया है तो आंसर के राइट हैंड साइड से दो नंबर के बाद में हम डेसिमल को लगा लेंगे। तो अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा, 16.64, ये अपने पास में टोटल आंसर हो गया। तो ये हमने देख लिया कि अपने पास में अगर कोई नंबर में डेसिमल हो तो हम उसको कैसा मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे कि अगर अपने पास में एक नंबर में डेसिमल हो और दूसरे नंबर में अपने पास में डेसिमल ना हो, तो उसके लिए अपने पास में एग्जांपल है 73 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। और ये एग्जांपल के लिए भी अपने पास में सेम प्रोसीजर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है अपने पास में, 15 होता है। तो अपने पास में दो नंबर है तो हम क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे और 1 अपने पास में रिमेन का रहेगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे दो नंबर का सेकंड स्टेप में, तो अपने पास में क्या होगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0, और अपने पास में 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है अपने पास में, 35, और अपने पास में 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 कितना होता है, 0। तो अपने पास में 35 प्लस 0 कितना होता है अपने पास में, 35। अब अपने पास में 1 रिमेन कर रहा था तो हम क्या करेंगे, 35 प्लस 1 कितना हो जाएगा अपने पास में, 36। अब अपने पास में फिर यहां पे दो नंबर आ गए तो हम क्या करेंगे, 6 को लिखेंगे और 3 अपने पास में रिमेन कर रहेगा। अब हम थर्ड स्टेप करेंगे, तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, 7 मल्टीप्लाइड बाय 0 कितना होगा अपने पास में, 0, और 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा अपने पास में, 3। तो हम 3 को यहां पे लिख लेंगे। अपने पास में जो टोटल नंबर आ जाएगा वो कितना रहेगा अपने पास में, 365, ये अपने पास में नंबर है। अब डेसिमल के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों नंबरों में देखेंगे डेसिमल कहां पे है। तो अपने पास में 73 में तो डेसिमल नहीं है, तो अब लेकिन अपने पास में जो 0.5 है तो यहां पर डेसिमल है, तो हम देखेंगे डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितने नंबर है। तो ये डेसिमल है अपने पास में और ये डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितने नंबर है अपने पास में, 1। तो अब हम क्या करेंगे कि जो अपने पास में नंबर आया है तो नंबर में एक नंबर के बाद में डेसिमल लगा देंगे, तो अपने पास में पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 36.5। हमने ये डेसिमल भी लगा लिया। तो हमने ये दो एग्जांपल देख ली कि अगर अपने पास में दोनों नंबरों में डेसिमल हो, और अपने पास में सेकंड एग्जांपल में हमने देखा कि अगर अपने पास में एक नंबर में डेसिमल और दूसरे नंबर में डेसिमल ना हो तो हम उसको कैसा सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू।